बिहार में अभी जो पूरी स्थिति है और जिस तरीके से जो बाढ़ का जो पूरा वहाँ पे बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं, काफ़ी लाखों की तादाद में लोग बेघर हैं, मासूम लोग और गरीबों के साथ जो हो रहा है वहाँ पे, उसको लेके जो बिहार भवन पे एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ JNUSU प्रेसिडेंट मोहित पांडे मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वहाँ की जो स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार को आप इन तमाम बातों पे नाकामयाब मानते हैं? देखिए, लाखों घर उजड़ चुके हैं बिहार में, हजारों लोग जो है आज मतलब मौत का सामना करना पड़ रहा है उनको। कई सारे बच्चे देखिए, नए एकदम नवजात शिशु, वो बाढ़ में बह गए हैं। लेकिन सरकार जो है अभी मतलब आप देखिए, नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन कैसे सही था इसको लेकर। इतने दिनों से संवेदनहीनता का एक लगातार क्रम जारी। हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि भाई, बाढ़ जैसी त्रासदी जब आई है तो आपको एक युद्ध स्तर पर उतर के, वैसे तो आप बहुत युद्ध लड़ने की बात करते हैं, युद्ध स्तर पर उतर के काम करना होगा और राहत कार्यों में तेजी लाना होगा। अपनी जिम्मेदारी, हम लोग तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रुपया पैसा दवाई इकट्ठा करके भेज रहे हैं, लेकिन सरकार जिसकी जिम्मेदारी, जिसके पास फंड भी है, जिसके पास वित्त का सुविधा है, जिसके पास जिम्मेदारी भी है, वो क्यों नहीं इतना तेजी से उतरती, वो क्यों नहीं युद्ध स्तर पर काम कर रही है, वहाँ पर राहत कार्य में तेजी ला रही है। बहुत सारे लोग, मेरे यूनिवर्सिटी के लोग, मैं JNU में प्रेसिडेंट हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी के लोग अपने घरों में संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, अपने घरों में कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा उनका। तो ये करने के लिए सरकारी जिम्मेदारी को निभाना होगा और राहत कार्यों में तेजी लाना होगा। जो लोग भी, जिनका भी घर के उजड़े हैं, उनको कंपनसेशन देना होगा, एक मजबूत कंपनसेशन देना होगा। सरकार तो कह रही हो अपनी तरफ से जो कुछ हो रहा है कर रही है, तो क्यों एहतजाज? देखिए, कहने से हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हमको काम दिखाई पड़ता है होने से। अगर काम होने लगेगा तो खुद ही उसका असर दिखाई पड़ेगा, लोग उसके बारे में बात करेंगे। अगर वो होता दिखाई पड़ता है तो ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अभी तक एक चीज़ नहीं दिखाई पड़ी है। आज आप देख लीजिए, प्रायोरिटी की ही बात कर लीजिए, नीतीश कुमार बैठक कर रहा है बैठ के बिहार इसमें पटना में, किसके कि बीजेपी के साथ उसका गठबंधन कैसे सही था, इस पर बैठक नहीं कर रहा है कि बाढ़ का जल्दी जल्दी निपटारा कैसे किया जाए। ये सब प्रॉब्लम है जो बाढ़ की स्थिति है, और बिहार में नहीं और दो चार जगह पर भी है, तो वहाँ जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। आप लोग इस ताल्लुक से, आप लोगों ने अब तक क्या किया? हम तमाम लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं, दवाई इकट्ठा किए हैं, और वो सारी चीज़ें हम लोग भेजेंगे वहाँ पे। हमारे कुछ साथी पहुँचे भी हैं वहाँ पे मदद करने के लिए, और हम लोग भी वहाँ पे जाएंगे। अपना सामाजिक जो संवेदनशीलता होती है, उससे जितनी भी मदद होगी हम लोग करेंगे। बाकी ये है जो सरकारी जिम्मेदारी है, अगर सरकार अपनी जवाबदेही से मुकरेगी तो उसको भी लाएंगे ठिकाने पे, उसको भी कहेंगे कि तुमको करना होगा काम। नहीं तो मैं इस बात को जानबूझ के एक चीज़ से जोड़ना चाहता हूँ, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, जो स्थिति है, और भी बाकी जगहों में जो धर्म की राजनीति होती है, और जो अभी लोगों की जाने गई, बच्चों की, मासूम बच्चों की भी जो जाने गई गोरखपुर में जिस तरीके से, और जो अभी बाढ़ की स्थिति है, इन तमाम बातों को कैसे आप जोड़ते हैं? क्या इसमें भी कुछ राजनीति चल रही है? देखिए, साफ साफ बात है, सरकारों में संवेदनशीलता की भारी कमी है, इंसानियत, जो इंसानियत का एक लहजा होता है, उसकी भारी कमी है। आज आप देखिए, जब हजारों बच्चे मर जा रहे हैं बाढ़ से, 100 से ज़्यादा बच्चे मर जा रहे हैं अस्पताल से, ठीक वही सरकार है जो मुसलमानों पे हत्या को उकसाती है, बढ़ावा देती है। तो असल में इनके जो मूल में ही इंसानियत की कमी है, मूल में ही संवेदनशीलता की कमी है। अगर मौतें हो रही हैं तो हम लोग तो तुरंत यहाँ पिघल जाते हैं, यार देखो कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई असर ही नहीं पड़ता। ये ऐसे लोग हैं, पत्थर दिल लोग हैं, जिनको कोई असर ही नहीं पड़ रहा है इतनी मौतें हो जाने से, इतने घर उजड़ जाने से। ये एक बड़ा परिदृश्य है आज देश में, और इसको हमको बदलना होगा। हमको इंसानियत के जो एक तरह से कहा जाए जो दर्द का रिश्ता है, उसके सहारे उतरना होगा, लोगों को उतारना होगा, और बोलना होगा कि सरकार अगर तुम नहीं काम करोगे तो तुमको भी उतार फेंक देंगे इस तरह से। तो अब यहाँ से अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? अगला कदम, हम लोगों ने जो भी राहत का सामग्री इकट्ठा किया है, जो भी फंड इकट्ठा किया है, उसको बिहार भेजेंगे। हम लोग कुछ लोग जाएंगे भी यहाँ से, और बाकी कई जगहों से टीमें वहाँ पहुँची हुई हैं, तो उनकी भी मदद करेंगे। अच्छा, तो जो अभी मौजूदा बिहार के हाल हैं, क्या लगता है इसमें आगे क्या होगा, कितने लोग बेघर हो गए या बर्बाद हुआ है, जो क्या है पूरा डाटा? डाटा तो मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से रिपोर्टें आ रही हैं उससे लाखों घर मतलब उजड़ चुके हैं। कई सारे लोगों को जो है मौतें हो चुकी हैं, मतलब सरकार 100 या 150 कुछ बता रही है, लेकिन हजार के ऊपर मौतें हो चुकी हैं। तो ये थे हमारे साथ मोहित पांडे, JNUSU प्रेसिडेंट, जिन्होंने बिहार को लेके जो अपनी तमाम बातें कही और सरकार को घेराव में लाने की कोशिश करी। तो अब देखना ये है कि सरकार का अगला कदम क्या रहता है और इन तमाम समस्याओं को कैसे हल करती है। दिल्ली से न्यूज़ बैक्स के लिए मोहम्मद साद।